सो गाइज मैं आपका दोस्त मुर्शिद राज वापस आ गया होली के लिए स्पेशल एडिटिंग का ट्यूटोरियल को लेकर। सो गाइज जैसा कि आपको पता है कि टिकटॉक पे जो है अब होली का वीडियो जो है काफी तेजी से वायरल हुआ क्योंकि होली आने वाला है और आप तो जानते ही हो कि जब जब कोई भी फेस्टिवल आता है तो उससे रिलेटेड वीडियोस बहुत ज्यादा टिकटॉक पे वायरल होते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको बता दूं यार कि होली का वीडियो आप कैसे इफेक्ट के साथ बना सकते हो। तो एग्जांपल के तौर पे आप इस वीडियो को देख सकते हो मैंने बनाया है। तो इसमें हालांकि मैंने फोटो का इस्तेमाल किया है तो आप चाहे तो वीडियो का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फोटो से भी बना सकते हो और बहुत ही आसान है, बस एक एप्लीकेशन का कमाल है। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जिस एप्लीकेशन से ये वीडियो बना है ना उस पे आप बहुत सारे इफेक्ट आपको और मिल जाते हैं, मतलब कि आप होली का ही नहीं जितने भी फेस्टिवल आते हैं सभी का इफेक्ट मिल जाएगा, सेक इफेक्ट मिल जाएगा जो कि आईफोन में होता है। तो आप आईफोन का चीज जो है एंड्रॉयड में एडिट कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एप्लीकेशन का नाम है फोको वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गूगल प्ले स्टोर पे भी आपको मिल जाएगा, आप जाके सिंपली इंस्टॉल कर लेना। तो चलो सीधे मैं आपको लिए चलता हूं फोको वीडियो एप्लीकेशन पे और वहां पर मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप इस तरह का इफेक्ट डाल के जो है वीडियो बना सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने फोको वीडियो एप्लीकेशन को जो है इंस्टॉल करके रखा है। तो इस पर आपको क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। फर्स्ट टाइम हो सकता है आप ओपन करो तो आपसे जो है परमिशन मांगा जाए, उसे अलाउ कर देना। और यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से इसका इफेक्ट आएगा, जो भी पॉपुलर इफेक्ट है सभी यहाँ पे शो होंगे। तो देख सकते हो पॉपुलर में फर्स्ट में ही होली आपको नज़र आ रहा है, सेकेंड में भी होली का इफेक्ट है, थर्ड में भी है। तो आपको जो भी पसंद आए उसमें आप बना सकते हो। इतना ही नहीं इफेक्ट पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे आपको इफेक्ट से रिलेटेड जो है वीडियोस मिल जाएंगे, उसमें अपना फोटो या वीडियो लगा के आप बना सकते हो। फिर लव में है, स्टोरी में है, सेलिब्रेशन में आपको वही मिलेगा। जैसे जैसे कोई फेस्टिवल आएगा तो इस तरह से आपको यहाँ पे इफेक्ट मिलता जाएगा। बर्थडे है किसी का तो आप बर्थडे के लिए स्पेशल वीडियो बना के उसे भेज सकते हो। फैमिली के लिए आप जो है बना सकते हो। वेडिंग अगर किसी का शादी हुआ है तो उसका बहुत सारा फोटो है आपके पास तो उससे भी आप बना सकते हो। डांस के लिए स्पेशल इफेक्ट है, ट्रैवल के लिए है, प्रोडक्ट के लिए है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे यहाँ पे यार इफेक्ट मिल जाते हैं, कमाल का है। मतलब बेसिकली इसे समझो तो टिकटॉक के लिए ही बनाया गया है। तो चलो इस वाले इफेक्ट पे मैं वीडियो बना के आपको दिखाता हूँ। यहाँ होली जो लिखा हुआ है तो इस पर आपको क्लिक करना है और नीचे देखो एक ऑप्शन आपको मिलता है स्टार्ट मेकिंग का, तो इस पर क्लिक करना है आपको। फिर ये थोड़ा सा डाउनलोड होगा और इस तरह से कुछ इफेक्ट आ जाएगा और यहाँ से आपको जो है फोटो चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ ऑल का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना और इस तरह से आपका जितने भी फोल्डर्स है मोबाइल में सभी फोल्डर शो हो जाएंगे और जिस फोल्डर में आपका फोटो है उस फोल्डर पे आप क्लिक करके और फोटो को चूज कर लेना। तो मैं यहाँ से जो है अपना फोटो को चूज करता हूँ माई फोटो फोल्डर में और जैसा कि चार फोटो है इसमें चूज करने का तो मैं यहाँ से चार फोटो चूज कर लेता हूँ। बस आपको फोटो पे क्लिक करना, यहाँ स्लाइड होता जाएगा और यहाँ से चेंज करते जाएगा। देखो इस तरह से मैंने चार फोटो को सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे ऑप्शन ऑटोमेटिक हाइड हो गया। फिर आपको यहाँ डन करना है। डन करने के बाद प्रीव्यू का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना। तो ये जो है प्रोसेसिंग होगा 100% प्रोसेसिंग, तो जितना फास्ट आपका इंटरनेट रहेगा उतना फास्ट जो है ये प्रोसेसिंग करके आपको दे देगा। तो फाइनली यहाँ पे देखो कि 100% हो चुका है। फिर आपका वीडियो ऐसे कुछ शो होगा कि देखो होली का उसमें इफेक्ट डाल के आपका फोटो को चेंज कर रहा है। तो इस तरह से देखो ये वीडियो बन जाता है। नाउ आपको क्या करना है कि यहाँ एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन आपको मिलता है, इस पर क्लिक कर देना। फिर से ये प्रोसेसिंग होगा और इस बार फाइनल आपका वीडियो बन के एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुका है। अब देखो आपका वीडियो कुछ इस तरह से रेडी हो गया। यहाँ से आप WhatsApp के स्टेटस में शेयर कर सकते हो, Facebook की स्टोरी में, Instagram की स्टोरी में, और मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जैसे TikTok, YouTube, जहाँ पर भी आप शेयर करना चाहते हो कर सकते हो। तो अब आपको TikTok पे कैसे अपलोड करना है चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो TikTok पे ऐसे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, नीचे डिस्कवर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना और यहाँ पे आप सर्च करना होली। होली सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे जो है सॉन्ग्स मिल जाएंगे होली से रिलेटेड, जैसे देख सकते हो। तो जैसे जिसमें ज़्यादा लाइक्स रहता है ना उस पर क्लिक करें, जैसे इस पर देखो 399 है तो इस पर क्लिक करते हैं। फिर आपको यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिलता है, इस साउंड पे क्लिक करना और यूज़ दिस साउंड का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना। फिर ये लोडिंग साउंड होगा। फिर आपका यहाँ पे कैमरा ओपन होगा, अपलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना और उस वीडियो को यहाँ पे लेकर आ जाना और आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ वॉल्यूम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको जो ओरिजिनल साउंड जो है ऑफ कर देना है, साउंड ट्रैक को ऑन कर देना है और ओके करना है। फिर आपको यहाँ टेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना और अपने आईडी का नाम लिख देना, ठीक है। मैं यहाँ पे अपने आईडी का नाम लिख देता हूँ और इस पर क्लिक कर देना तो ऐसा बन जाएगा। फिर उसको थोड़ा छोटा सा करके फिर इसे पकड़ के यहाँ पे डाल देना क्योंकि यहाँ फोको वीडियो का जो है लोगो दिखाई दे रहा है और टिकटॉक में लिखा हुआ है कि आप लोगो वाले वीडियो को नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे डाल देना।
तो वो ढक जाएगा। फिर यहाँ से और भी कुछ इफेक्ट आप चाहो तो लगा सकते हो। फिर आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद आपको जो है होली के बारे में लिख देना है, हैप्पी होली, और हैशटैग में भी होली वगैरह ये सब डाल के, और सिंपली यहाँ से आपको पोस्ट कर देना है। सो गाइस, यही था आज का ट्यूटोरियल, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक लाइक जरूर करना, दूसरों के साथ शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया हो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लेना, ताकि इस तरह के और भी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो आए तो वो आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोबारा ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए।